एक राजा की बेटी थी और एक ब्राह्मण की बेटी, दोनों सखा थी, आपस में मित्र थी। एक बार राजा के यहां पर एक संत का आगमन हुआ, तो संत शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे, वो दोनों कन्याएं बैठ करके देख रही थीं। दोनों के मन में भाव आया, इस संत जैसे सेवा करते हैं वैसी सेवा हमको भी मिल जाए। तो दोनों संत से कहने लगी, बाबा हमको भी सेवा दे दो, हमको भी ठाकुर जी दे दो। तो संत ने मन में विचार किया, छोटी छोटी कन्याएं, ये क्या जाने असली नकली क्या होता है। उन्होंने शालिग्राम जैसे दिखने वाले चिपटे दो पत्थर लिए और दोनों कन्याओं को दे दिए। दोनों कन्याएं बड़ी प्रसन्न हो गईं, बोले वाह हमको ठाकुर जी मिल गए। दोनों ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी इनका नाम क्या रखें। तो गुरुदेव ने कहा, तुमको जो प्रिय लगे वो नाम रखो इनका। तो कन्याएं जो वो बड़े चिकने से पत्थर थे, तो एक आध बार हाथ से फिसल गए, तो एक कन्या ने कहा, बोले इनका नाम रखते हैं सिलपिल्ले भगवान। कौन से भगवान? और दोनों ने अपने ठाकुर जी का नाम रख दिया सिलपिल्ले। ये कोई ऐसी कथा नहीं, भक्तमाल जी में कथा है ये। तो सिलपिल्ले भगवान, दोनों कन्याओं के सिलपिल्ले भगवान हो गए। अब दोनों कन्याओं के साथ में कैसी घटना घटी, तो जो ब्राह्मण कन्या थी, जो थोड़ी बड़ी हो गई, सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके दो भाई थे, दोनों भाइयों में विवाद हो गया, दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। एक दिन विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर के लूटमार करी, उसको मार पीटा और घर का सारा सामान हड़प के ले गया। उसी सामान में बहन के सिलपिल्ले भगवान भी ले गया। अब बहन तो बेचारी रोने लगी, उसके तो ऐसे प्राण हो गए मानो बस अब जीवित ही नहीं रह पाएगी ठाकुर जी के बिना। रोने लगी, भैया से कहने लगी, भैया बोला पूरा घर लूट गया, उसकी तुझको चिंता नहीं, वो तेरे पत्थर के भगवान खो गए उनके लिए रो रही है। बोले वो पत्थर नहीं है, मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, वो नहीं मिले तो मैं प्राण निकल जाएंगे मेरे। बोले जा, किसी और ने थोड़ी लूटा, बड़ा भाई है हमारा, जाके मांग ले, दे दे। तो बहन अपने बड़े भाई के घर गई, बड़े भाई से जाके कहा, भैया कुछ मत दो, सब रख लो अपने पास, पर मेरे सिलपिल्ले भगवान। अब सिलपिल्ले नाम सुनते ही सब हंसने लगे वहां पे, और जितने भी उसके भाई के साथ, वो तो गुंडा गुंडा प्रवृत्ति का था, उसके साथ में जितने भी लोग सब हंसने लगे। अच्छा क्या नाम तुम्हारे ठाकुर जी का? बोले सिलपिल्ले भगवान, और जोर से हंसे। भैया मेरे भगवान दे। बोले अंदर सारा सामान पड़ा है, तू जाके अपने आप ढूंढ ले ठाकुर जी कहां है। अंदर जाने लगी तो एक एक जो उसके भाई का पूरा गैंग था उसमें से एक बोला, अगर तेरी इतनी भक्ति है कि तू अपने भगवान के बगैर नहीं रह पा रही, तू यहीं खड़ी खड़ी बुला ले, तेरे ठाकुर जी अपने आप ही निकल के आ जाएं। ये बात उसके प्रेम पर मानो प्रश्न चिन्ह लग गया। वह भी मन में सोचने लगी, मैं बचपन से सेवा कर रही हूं सिलपिल्ले को, कभी अपने हृदय से दूर नहीं करती, पर आज इसकी बात से मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं तो प्रेम करती हूं, पर वो प्रेम करते हैं कि नहीं, आज उसका भी पता चल जाए। और बाहर खड़े खड़े करुण क्रंदन करते हुए, भाव निमग्न होते हुए, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, हां नाथ, हां मेरे सिलपिल्ले नाथ, मेरे पास आ जाओ। दोनों भुजा उठा करके जैसे ही रुदन करने लगी, कक्ष में से वो सामान्य सा पत्थर जिसकी वर्षों से सेवा कर रही थी, वो अपने आप उछट करके आया और उस कन्या के हृदय से आकर के लग गया। बोलो सिलपिल्ले भगवान की। और महाराज ये देख करके भाई और उसका जो पूरा गैंग था वो सब आश्चर्यचकित हो गए। परिणाम ये हुआ कि सब लोगों ने अपनी सब सामग्री जो उसके भाई की लूट ली थी सब इकट्ठी करके दे आए। बोले भैया हम तो ऐसे ही समझते थे, पर आज वास्तव में हमने भक्त का, भक्ति का दर्शन किया। अब राजकन्या जो थी उसके सिलपिल्ले भगवान, उनके साथ कैसी घटना घटी। कन्या का विवाह हुआ और जिस
पुरुष के साथ में विवाह हुआ वो किसी भी रूप से भक्त नहीं था, ना वो भक्त था ना उसका परिवार भक्त था। कन्या ने विवाह के लिए मना तो किया पर माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया। अब वो तो बस अपने सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे, बोले कि मुझे पता है ये मेरा पति और ये परिवार पूरा जो है ये बिल्कुल भी भक्ति भाव इनके चित्त में नहीं है, पर नाथ बस आप मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरा जीवन निकाल लूंगी। अब जिससे उसका ब्याह हुआ था वो तो काम क्रोध लोभ मोह सब था उसके अंदर, वो तो इसी कारण से विवाह कर रहा था, भोग वृत्ति थी उसकी। लेकिन कन्या के चित्त में ये भाव था कि भाई ये वैष्णव नहीं है, इसको तो मैं स्पर्श भी नहीं करने दूं अपना। रात्रि में चर्चा कर रहा था पत्नी से, बातें करने लगा, बातें करते करते और उसने कहा ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बोली ये मेरे भगवान है, सिलपिल्ले भगवान। वो सिलपिल्ले नाम सुनते ही इतना हंसा, हंसते हंसते बिस्तर से गिर गया। बोले कौन है सिलपिल्ले भगवान? बोले आप हंसिए मत, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मैं बचपन से इनकी सेवा करती हूँ। अच्छा ठीक है, रखो इनको अपने पास। लेकिन वो उनको दूर करना चाह रहा था, बार बार लेकर के हटाना चाह रहा था। और वो राजकन्या कस के पकड़े, बोले नहीं आप 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 इनको मुझसे दूर मत करो, ये मेरे प्राण है, ये अगर दूर हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। एक दिन दो दिन चार पांच दिन बीत गए, लेकिन वो ऐसे ही रहे, सिलपिल्ले भगवान को हृदय से लगा के रहे। उसका यही था कि मैं पूरा जीवन इनके साथ नहीं रह सकती, पर आप रहोगे तो मैं रह लूंगी। एक दिन उस राजकुमार को क्रोध आया और उसने जब हट पूर्वक हाथ हटाए और वो सिलपिल्ले भगवान को खींच करके और बाहर एक सरोवर था, सरोवर में फेंक दिया। जैसे ही सरोवर में फेंका वो राजकन्या वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, सब लोग सोचने लगे, बोले अरे ये क्या हो गया, इसके कहीं प्राण ना निकल जाए, पूरे गांव में हमारी निंदा होगी, इसके पिताजी बहुत बड़े राजा हैं, हमको कारागृह में डाल देंगे। क्या किया तूने? बोले कुछ नहीं, पत्थर लगाए, बैठी रहती थी, मैंने फेंक दिया तो नाटक कर रही है मूर्छा की। खूब प्रयास किया लेकिन होश में नहीं आई। जैसे तैसे होश में आई, वैद्य के बुलाने के बाद उठते ही मेरे सिलपिल्ले कहाँ हैं, मेरे सिलपिल्ले कहाँ हैं। गोताखोरों ने जाकर के पूरा सरोवर ढूंढ लिया लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। अंत तो गत्वा वही सरोवर के किनारे आकर के बैठ गई और रुदन करते हुए बोली, हे मेरे सिलपिल्ले नाथ, यदि मैंने वास्तव में बाल्यकाल से आपको अपना प्रियतम मान करके भजा हो, आपकी निष्ठा से सेवा की हो, तो आप कृपा करके मेरे पास आ जाना। और यदि आप मेरे पास नहीं आए तो मैं एक क्षण और चिंतन नहीं करूंगी, तुरंत अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। उसका पूरा परिवार खड़े होकर के देख रहा था। जैसे ही उसने कहा कि हे नाथ यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, ये बात कहते ही हाँ नाथ हाँ नाथ हाँ नाथ करुण क्रंदन करने लगी। तुरंत सरोवर में से अपने आप सिलपिल्ले भगवान निकल कर के आए और उसकी छाती से आकर के लग गए। और ये दृश्य देख करके परिवार पूरा जो था वो तो नतमस्तक हो गया और उस कन्या को वापस उसके घर ही छोड़े आए। बोले भैया ये इतनी ऊंची श्रेणी नहीं है हमारी कि हम इसके साथ रहें, हमसे अपराध बनेगा यदि हम इनको अपने पास रखेंगे, तो ये तो हमारी कोई गुरु स्वरूपा है। प्रीति, अरे सामान्य से पत्थर को उन्होंने भगवान मान लिया और ठाकुर जी उसमें भाव, जरूरी नहीं है कि धातु प्रधान होता है, जरूरी नहीं है कि कोई कोई वस्तु विशेष। ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग भेद मानते हैं, अपने लड्डू गोपाल को सामान्य समझते हैं, वृंदावन बिहारी लाल को विशेष समझते हैं, उनको लगता है मंदिर में जो बिहारी जी बैठे हैं ये विशेष हैं, हमारे संग जो डलिया में डोल रहे हैं ये इतने विशेष नहीं है। क्यों? ये भेद दृष्टि मत रखो, वो बिहारी जी जितने श्रेष्ठ हैं उतने ही श्रेष्ठ आपके ठाकुर जी हैं। ये विश्वास प्रगाढ़ रखो अपने ठाकुर जी के प्रति, ये भाव प्रगाढ़ रखो। तो भैया संसार में
हर वो वस्तु चली जाएगी आपसे दूर जिसको आप स्नेह भरी दृष्टि से देख लोगे। इसलिए स्नेह भरी दृष्टि से देखना है तो केवल ठाकुर जी को, उनकी लीला को, उनके धाम को, उनके प्रसाद को और उनके जनों को ही देखो। और या फिर जिससे स्नेह हो रहा हो, चाहे वो पुत्र हो, पुत्री हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, यार हो, कोई भी हो, उसको भगवत भक्त बनाओ। क्योंकि भगवत भक्त बनने के बाद उससे स्नेह हो तो भी वो स्थिर तो रहेगा। आप वैष्णव हैं और वो संसारी है तो कोई भी संबंध क्यों ना हो, स्थिर नहीं रहेगा, जाएगा। चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। तो लक्ष्मी की बात हो रही है, लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी के रूप में आई और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ। आगे भागवत जी में सिमंतक उपाख्यान सुनाया गया। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में हुआ। जामवती के उपरांत भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में हुआ और भगवान का चतुर्थ विवाह हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की साक्षात रस स्वरूपा श्याम सुंदर श्री यमुना मैया के साथ में हुआ। बोलो यमुना मैया की जय। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम वैसे तो कथा में बोलते ही हैं, वृंदावन जाति बंधुओं कुछ नियम है, उन नियमों का पालन किया करो। सबसे पहला, वृंदावन जाते ही सबसे पहले तो वहां के अपनी गाड़ी से उतर के सबसे पहले तो भूमि जहां से वृंदावन प्रारंभ होता है वहीं वृंदावन को प्रणाम किया करो। आज भी कई वृंदावन आने वाले वैष्णव हैं वो पादुका नहीं पहनते अपने पैरों में, क्योंकि जिस रज पर ठाकुर जी निरावृत चरणों से भ्रमण किए हम कैसे पहन लें। तो सबसे पहले आते ही वृंदावन की रज को प्रणाम करो। आपका मस्तिष्क सूना नहीं होना चाहिए वृंदावन में। और सुनिए, वृंदावन में आके वो छापे वाले मत लगवाया करो तिलक, स्वयं तिलक लगा करके निकला कीजिए अपने कक्ष से। रज लीजिए, रज में गंगा यमुना जल मिलाइए, उस रज का तिलक करिए। और तिलक करना एक बात होती है, ऐसे प्रणाम करो कि अपने आप ही रज लग जाए आपके माथे से। सबसे पहला रज को प्रणाम। पंचायतन प्रणाम हमने बताए कथाओं में, सबसे पहले रज को प्रणाम करो। दूसरा, वृंदावन में जैसे ही भीतर प्रवेश करते हो जितने वृक्ष वृंदावन के आपके दृष्टि के सामने आ जाएं सबको प्रणाम करो। वृंदावन में वृक्ष सामान्य नहीं है बंधु। आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां। वृंदावन में जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अखंड वृंदावन वास के लिए पूरा जीवन भजन किया कि हे नाथ मुझे अखंड वृंदावन वास मिले, और भजन करते करते उसके प्राण चले गए, अगले जन्म में वृंदावन में वृक्ष बन करके वो आ जाता है और वो अखंड वृंदावन वास करता है। इसलिए वृंदावन वास जिनके मन में इच्छा होती, कई लोग कहते हैं वृंदावन वास कैसे मिले, वृंदावन के वृक्षों को प्रणाम किया करो। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं